दोस्तों देख पा रहे हो, रात का बज रहा है 2:30 और अभी मुझे और मेरे भाई को लग गया है भूख, क्योंकि कल रात को सोए थे पानी पूरी खा के और पापा मम्मी सो रहे हैं, चुपके से आ गए और मुझे मेरे भाई को लग गया था बहुत ज़ोर की भूख, तो क्या खाए क्या खाए समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली मूढ़ी वूढ़ी खाने का भी नहीं मन कर रहा था, तो फाइनली आइडिया आ गया कि चलो देखते हैं मैगी है कि नहीं, ढूंढते हैं। तो फाइनली मिल गया है मुझे इधर मैगी, तो चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। तो भाई का कितना खुशनसीब है, मेरा भाई कितना रात को बना रहे हैं मैगी और फटाफट खा लेगा। तो चलिए इधर पानी भी उबालने के लिए दे दिए, तो जल्दी से पानी उबलो यार, मुझे लग रहा है बहुत जोर की भूख यार, कैसे तुम लोगों को बताएं हम। और चुपके से अगर नहीं कर पाए, अगर पकड़े गए तो फिर तो डांट पूरा निश्चित है ही हम लोगों का, बोलेंगे कि राह जग रही हो और इधर आके तुम खाना बना रही हो, वाह। तो चलिए इधर मैगी जल्दी से दे दिए है हम, फटाफट हो जा भाई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लगता है अभी मर भी गए होंगे। तो फटाफट इसका जो स्मेल आता है, ओ माय गॉड, स्मेल से तो लग जाता है और जोड़ो की भूख, आ जाओ भाई जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। तो चलिए चलिए जल्दी से, हो जाओ। देखो मम्मी पापा जगे तो नहीं, पूरा सो रहे हैं भाई साहब, बज गए। तो चलिए थोड़ा डांस वंस कर रहे थे, जल्दी से मैगी बन जा यार, मेरे पोट में सारा चूहा बिल्ली दौड़ रहा है यार, जल्दी से बन जा फिर से। देखो भाई को बुला भी नहीं पा रहे, तो सीढ़ी में ऐसे करके एक एक करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। ईद हुई इधर गेम खेलने में अभी भी बिजी है, और हम इतना कष्ट करके मैगी ऊपर लेके आ भी गए हैं। तो चलिए बेटा, मुँह के ऊपर मैगी जब मिल जाता है ना, तब खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलो इधर देखो, खाना भी स्टार्ट कर दिया, क्या बोले यार, इसका नसीब कितना अच्छा है, इतना टेस्टी वाला डिश बैठे बैठे मिल गया। तो चलिए इधर ही इतना ही, चलो बाय।